ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान ने गुपचुप तरीके से महेश मांजरेकर की अगली गैंगस्टर फिल्म अंतिम की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म के जरिए पहली बार सलमान खान अपने जीजा और एक्टर आयुष शर्मा के साथ बड़े पर्दे पर दिखने वाले हैं। इस फिल्म में सलमान और आयुष के अलावा निकितन धीर भी अहम रोल में नजर आएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में आयुष खूंखार गैंगस्टर के रोल में दिखेंगे, वहीं सलमान एक बार फिर से डैशिंग पुलिस अफसर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म की तैयारी 16 नवंबर को पुणे में शुरू हो गई थी। निर्माताओं ने आयुष और सपोर्टिंग कास्ट के साथ पुणे की बिजी सड़कों पर एक चेजिंग सीन शूट किया था। इसके बाद सलमान वेक अर्जत के एनडी स्टूडियो और मुंबई के पश्चिमी उपनगर वर्सोवा चले गए। एक निजी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक आयुष के साथ 20 दिन के शेड्यूल को पूरा करने के बाद सलमान चुपचाप टीम में शामिल हो गए हैं। उन्होंने 6 दिसंबर से मुंबई की फिल्म सिटी में शूटिंग भी शुरू कर दी। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि सलमान एक सिख पुलिस वाले की भूमिका निभा रहे हैं जो अपने क्षेत्राधिकार में गैंग वॉर और भू माफिया को समाप्त करने के मिशन पर हैं। अक्टूबर में अपनी एक्शन थ्रिलर राधे की शूटिंग खत्म करने के बाद उन्होंने नई फिल्म के लिए टाइम दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म राधे की शूटिंग के दौरान सलमान को क्लीन शेव में देखा गया था। उन्होंने शूटिंग खत्म होने के बाद दाढ़ी बढ़ाने के लिए समय निकाला। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में सलमान पगड़ी पहने हुए नजर आएंगे। शूटिंग के दौरान सेट पर काफी सिक्योरिटी बढ़ा रखी है ताकि सलमान का लुक बिल्कुल भी लीक ना हो। सलमान खान अपने फैंस को सरप्राइज देना चाहते हैं, इसलिए अभी वो अपना लुक लीक नहीं होने देना चाहते। बहरहाल सलमान की फिल्म को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।